नए आर्मी चीफ को पुराने आर्मी चीफ की पॉलिसीज को लेकर नहीं चलना चाहिए। बतौर वजीर आजम कभी जनरल बाजवा को बॉस नहीं कहा। लाहौर में इमरान खान से यूट्यूबर्स की मुलाकात। कहा सुलेमान शहबाज की वापसी NRO 2 का हिस्सा है जो जनरल बाजवा ने दिया। जनरल फैज को आर्मी चीफ बनाने से मुतल्लिक कभी नहीं सोचा। परवेज इलाही वैसा ही करेंगे जैसा मैं कहूँगा। अरशद शरीफ की वालदा ने जिनके नाम लिए वही मैंने सवाती और शहबाज गिल ने लिए। बात ये नहीं है कि मैंने तो खैर ट्वीट भी कर दिया है कि मैं फ्रेंजिक्स के जो फीस होती है वो मैं देने के लिए तैयार हूँ, आप बेशक ये ऑडियो फ्रेंजिक्स से चेक करा लें। और ये बिल्कुल एक कॉपी पेस्ट टाइप पे बनाई गई है। लेकिन बात ये कि फर्ज करें कि 2 मिनट के लिए कि ये सही भी हो और ऐसी 10 और भी हो, मुझे समझ नहीं आती इसमें इशू भी क्या है। नूली का ऑडियो वीडियो का घटिया प्रोडक्शन हाउस पिटी हुई लीक से बेनकाब। जुल्फी बुखारी ने इमरान खान के अहलिया के साथ बात की ऑडियो टेप को जाली करार दे दिया। फॉरेंसिक कराने का चैलेंज, खर्च भी जेब से देने की पेशकश। टेम्पर्ड ऑडियो लीक कट पेस्ट के फजूल कारस्तानी है। इल्जामात लगाने के लिए किसी अच्छे ऑडियो एडिटर को ही रखने का मशवरा दे दिया। बोल न्यूज के प्रोग्राम तजिया में कहा कि ऐसी एडिटिंग तो बच्चों को भी पता चल जाती है। डेली मेल के केस में बगले बचाने की बजाय कौम के सामने सच रखें। अगर शहबाज शरीफ डेली मेल से केस जीत गए हैं तो इनको करोड़ों रुपया हर्जाना मिला होगा, जरा वो तो बताएं आपको। ये आउट ऑफ कोर्ट सेटलमेंट हुई है, डिफेंस तो ये दाखिल कर नहीं सके। और इनके अकाउंटों में जो अरबों रुपया आया है वो कहां से आया है वो तो बता ही नहीं सके। शहबाज शरीफ की फ्रॉड से सादिक और अमीन बनने की कोशिश नाकाम। शहजाद अकबर ने अदालत से बाहर सेटलमेंट का पोल खोल दिया। डेली मेल के वजाहती बयान पर साबिक मुशीर एहतसाब का रद्दअमल। NRO 2 के बाद नैब ही पीछे हट गया, डेली मेल क्या करता। अगर केस जीता है तो हर जाने के अरबों रुपए कहाँ हैं। अजहर सिद्दीक एडवोकेट भी हैरान। कहा कि कुछ दिन पहले तक तो शहबाज शरीफ जवाब जमा नहीं करवा पा रहे थे, अचानक केस कैसे जीत गए। अरबों रुपये का हर जाना मिला है तो वो कहाँ है। नू लीगियों को अंग्रेजी फिर समझ नहीं आई। डेली मेल की मासलत पर मुसलसल गलत बयानी। बरतानवी अखबार ने नैब इंक्वायरी में शहबाज शरीफ पर इल्जाम साबित ना होने की बात की। खबर के सिर्फ एक हिस्से पर मुआजरत की। शहबाज शरीफ को इल्जाम से क्लीन चिट हरगिज नहीं दी, सिर्फ गलती की मुआफी मांगी है। कि जो तवक्को की जाती है एक जुडिशल सिस्टम से, उस तरह के फैसलों की जो फैसले जो हैं वो नज़र नहीं आ रहे और उसकी वजह से पाकिस्तान के अवाम में और इदारों में एक दूरी जो है महसूस हो रही है। आज़ाद फैसले ना होने की वजह से दूरियां पैदा हो रही हैं। बातचीत का एजेंडा एक ही है, इलेक्शन कब होंगे। लाहौर में फवाद चौधरी की मीडिया से गुफ्तगू। कहा कि चाहते हैं इलेक्शन हो और मुल्क अवाम के मुंतखब हुक्मरानों के हवाले किया जाए। इमरान खान अवाम और रियासत में पुल का किरदार अदा करते हैं, उनके किरदार को तस्लीम किया जाए। पाकिस्तान तरीके इंसाफ के इलेक्शन कराओ मुल्क बचाओ मुहिम। लाहौर में रहनुमा PTI मलिक करामत खोकर की क्यादत में हल्का ने 135 में रैली। अवाम बढ़ती महंगाई और गिरती हुई मैशियत के खिलाफ सड़कों पर निकल आए। रैली में अवाम की बड़ी तादाद शरीक हुई। इत्तेहादी हुकूमत के खिलाफ नारे। डॉलर आज भी महंगा हो गया। एक्सचेंज रेट पर डॉलर कहीं दस्तयाब नहीं। ताजरों की LCs नहीं खुल रहीं। लाहौर में हमाद अजहर की मीडिया से गुफ्तगू। कहा रिजीम चेंज ऑपरेशन में $2 अरब बैरून मुल्क चला गया। मईशत के लिए खतरात बहुत बढ़ चुके, मुल्क तबाही का मंजर पेश कर रहा है। रेस लगी हुई है कि किसका केस पहले ख़त्म होगा। सदर आरिफ अलवी से वजीर खजाना इसहाक डार की एक और मुलाकात। सियासी तनाव कम करने से मुतालिक मुख्तलिफ फार्मूले ज़ेरे गौर। ज़राए का कहना है कि इसहाक डार ने हुकूमत की जानिब से सदर मुमलिकत को पैगाम पहुंचाया है। सदर मुमलिकत ने वजीर खजाना को ऑपोजिशन से होने वाले गुफ्तगू से आगाह किया। बातचीत जारी रखने पर इत्तेफाक। बड़ी अदालत का बड़ा हुक्म। 5 रुकनी JIT अरशद शरीफ कत्ल की तहकीकात फौरी शुरू करे। 2 हफ्तों में अबूरी पेशरफ रिपोर्ट भी मांग ली। कोई रुकावट दरपेश हो तो फौरी अदालत से रुजू किया जाए। चीफ जस्टिस उमर अता मद्याल की हिदायत।
जेआईटी में आईएसआई, एफआईए, आईबी और इस्लामाबाद पुलिस के नुमाइंदे शामिल। वजारत खारजा की रिपोर्ट भी अदालत उस्मा में जमा, कोई खातिर ख्वाह जवाब शामिल नहीं। केस की समाअत जनवरी के पहले हफ्ते तक मुलतवी। अरशद शरीफ केस में जीआईटी मुकम्मल काम करेगी, कातिल जल्द बेनकाब होंगे। शेख रशीद की बोलियों से गुफ्तगू, कहा जहां मर्जी मुकदमा दर्ज करे, वालदा की आवाज दबाई नहीं जा सकती। एतजाज हसन कहते हैं कि अरशद शरीफ का कत्ल का मंसूबा बंदी के तहत किया गया। राणा सनाउल्ला जमात का सबूत भी दे। आजम सवाती के खिलाफ मुकदमात, सिंध हाई कोर्ट में चैलेंज। बेटे बैरिस्टर उस्मान सवाती ने वालिद के खिलाफ केसेस को चैलेंज किया। इस्तदा की कि पुलिस को सिंध में आजम सवाती के खिलाफ मजीद मुकदमात दर्ज करने से रोका जाए। मौकफ अपनाया कि आजम सवाती पर जो इल्ज़ाम लगाया गया वो वाकया पंजाब का है, मुकदमा सिंध में दर्ज नहीं हो सकता। रेटिंग में भी नंबर वन है, बोल न्यूज़ को बंद करने का यह हुकूमती इकदाम है, हम इसकी पुरजोर मजम्मत करते हैं। बोल जो है इस वक्त एक इंतहाई न्यूट्रल और बहुत ही अच्छी सहाफतकार है, और असल हकायक जो है वो आवाम तक पहुंचा रहा है। हक और सच की अकासी करने वाला सिर्फ और सिर्फ एक न्यूज चैनल, बोल न्यूज चैनल। हक सच रास कोई, बोल के लिए हर ओवरसीज बोलने लगा। पाकिस्तान में जात और हकायक पर मबनी सहाफत का एक ही नाम है और वो है बोल न्यूज, जो छुपता है ना ही बिकता है। ओवरसीज पाकिस्तानियों का बोल न्यूज पर एतमाद का इजहार अपना नुमाइंदा चैनल करार दे दिया। बरतानिया, इटली, स्विट्जरलैंड, जर्मनी, स्पेन, अमरीका, आयरलैंड समेत यूरोप और दीगर ममालिक में मुकीम पाकिस्तानियों का बोल न्यूज के लिए भरपूर हिमायत का ऐलान। ऐवान सदर में एजाजात देने की तकरीब। सदर ममलिकत आरिफ अलवी ने आर्मी चीफ जनरल आसिम मुनीर को निशान इम्तियाज मिलिट्री से नवाजा। चेयरमैन जॉइंट चीफ ऑफ स्टाफ कमेटी जनरल साहिर शमशाद मिर्जा को भी निशान इम्तियाज मिलिट्री से नवाजा गया। शहबाज सरकार गरीबों के साथ मरीजों पर भी जुल्म ढाने लगी। मुल्क में अद्वियात साज कंपनियों ने पाकिस्तान में फैक्ट्रियां बंद करने लगी हैं। गरीब को महंगे दामों भी अद्वियात दस्तियाब नहीं, हुकूमत मुकम्मल खामोश। मरीजों की जिंदगी को खतरात लाहक हो गए। पीडीएम की हाँ में हाँ मिलाने पर कराची की चाबी फिर एमक्यूएम के हवाले। पीपल्स पार्टी ने अपने एडमिनिस्ट्रेटर मुर्तजा वहाब से इस्तीफा ले लिया। एमक्यूएम के सैफुर रहमान नए एडमिनिस्ट्रेटर तैनात। सैफुर रहमान गवर्नर, टू प्रिंसिपल सेक्रेटरी, कमिश्नर जोब, डीसी सेंट्रल और डीजी केडीए के अलावा म्यूनसिपल कमिश्नर भी रह चुके हैं। आजाद कश्मीर में बल्दियाती इंतखाबात का तीसरा मरहला, तीन जिला में वोटों की गिनती का सिलसिला जारी है। बोल न्यूज की सबसे पहले नतीजा नशर करने की रिवायत बरकरार। डेरा नवाब खान पोलिंग स्टेशन सरसठ का सबसे पहले गैर सरकारी नतीजा नशर किया। पीटीआई के जमील अहमद 273 वोट लेकर कामयाब रहे। वो अंदर घुस के उन्होंने चेक किया तो अंदर डेड बॉडीज पड़ी। 20 दिन तो बहुत बड़ी बात है कि ये अगर नजर नहीं आए तो देखभाल नहीं की, ये तो बहुत बड़ी बेहसी है। रावलपिंडी में पड़ोसियों की बेहिसी, घर से बहन भाई की कई रोज पुरानी लाश मिली है। इलाका ने ताफुन फैलने पर पुलिस को तलब किया। बहन की लाश 25, भाई की 4 रोज पुरानी है। पुलिस के मुताबिक बहन माजूर भाई की वाहिद कफील थी, फौत होने के बाद भाई भी चल बसा। कराची में किताबों का मेला सज गया। एक्सपो सेंटर में 5 रोजा बैन अल-अक़वामी कुतुब मेला जारी। 330 से ज्यादा स्टॉल्स, लाखों किताबें, हजारों कुतुबबीन प्याज बुझाने पहुंच रहे हैं। मेला 12 दिसंबर तक जारी रहेगा। जो है वो ड्राई है, देखने में लग रही है कि स्पिनर को हेल्प करेगी। कोशिश यही है कि देखें, आपको कंडीशंस कभी कभार आपके हक में नहीं होते, लेकिन एज अ टीम आपको अच्छा खेलना पड़ता है और मिस्टेक कम करनी पड़ती हैं। तो मेरे ख्याल से जो पिछली मिस्टेक हुई हैं हम कोशिश करेंगे इस मैच में ना करें।
पाकिस्तान और इंग्लैंड के दरमियान दूसरा टेस्ट आज से मुल्तान में शुरू होगा। दोनों टीमों की तैयारियां मुकम्मल हैं। कौमी टीम को एक और धचका, इंजरी के बाइस नसीम शाह की भी मैच में शिरकत मशकूक हो गई। बाबर 11 में दो से ज्यादा तब्दीलियों का इम्कान है। इंग्लैंड को 3 मैचेस की सीरीज में 1-0 की बढ़तरी हासिल है। दोनों कप्तान फतह के लिए पुरुमी। श्रीलंकन प्रीमियर लीग के मैच में गलत अंदाज में कैच पकड़ना फील्डर को महंगा पड़ गया। श्रीलंकन खिलाड़ी चमेका करुणारत्ने ने कैच तो पकड़ लिया, ताहम गेंद मुंह पर लगने से लहूलुहान हो गए। गैर मुल्की मीडिया के मुताबिक खिलाड़ी अपने 4 दांत गवा बैठा। कतर में जारी फुटबॉल के आलमी कप के क्वार्टर फाइनल मुकाबले आज से शुरू होंगे। 8 टीमें सेमीफाइनल में रसाई की जंग लड़ेंगी। आज का वाहिद क्वार्टर फाइनल मैच ब्राजील और क्रोशिया के दरमियान खेला जाएगा। तारीख में पहली बार इमरान खान, आसिफ अली जरदारी, शहबाज शरीफ, मरियम नवाज, मौलाना फजल रहमान और बिलावल भुट्टो सब एक साथ चलना रहे हैं सिर्फ बोल पर। सबसे ज्यादा व्यूज और सबसे ज्यादा रेटिंग के साथ बोल आज भी रहा नंबर 1 पर। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।